हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को बताएंगे मैट्रिक के एग्जाम में प्रायिकता से ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे कैसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला में लाल हो, दूसरा में लाल नहीं हो, तीसरा में लाल या काली हो। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है, लाल गेंद कितना लिखा, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, लाल गेंद की संख्या। क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद कितना है, क्लियर है, 3 है, तो आप लोग यहाँ पे 3 लिख दो। अब काली गेंद कितना है, 5 है ना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, काली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। अब तो कोई गेंद नहीं है ना, यहाँ पे लिख दोगे आप लोग कुल गेंद की संख्या। क्या लिख देंगे आप लोग, कुल गेंद की संख्या। 5 में 3 जोड़ दो, 8 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलता है यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है। तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद एक में लाल हो, तो आप लोग यहाँ पे एक नंबर लिख लीजिए, लिखिए लाल गेंद की प्रायिकता। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे लाल गेंद की प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है जो आपसे पूछेगा उसको आपको ऊपर लिखना है और कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखना है। तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल गेंद देखो कितना है, 3। तो लाल गेंद की संख्या को आप ऊपर लिख दो और टोटल कितना है, 8। 8 को नीचे लिख दो, इसका आंसर बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा मैं क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों, लाल नहीं हो, खुद समझिए लाल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दुए हो गेंद है ना, लाल नहीं तो काला होगा। तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो दूसरा में क्या बोलता है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काली होगा ना। आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, और लाल नहीं होगा तो हमको पता है क्या होगा, काली। और काली गेंद कितना है, 5। तो 5 को ऊपर लिख दीजिए, अब कुल परिणामों की संख्या 8 है, 8 को नीचे लिख दीजिए, तो दूसरा सवाल ही बन गया। देखिए तीसरा सवाल को कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल में क्या कहता है, लाल या काली हो, या लिखल रहेगा ना, तो दोनों को जोड़ देना। अगर 3 को परिणाम यहाँ पे रहता तो तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे कहता लाल या काली, तो लालो गेंद हो सकता है, काली गेंद भी हो सकता है, आपको दोनों को जोड़ देना है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाल या काली गेंद होने की प्रायिकता, लाल या काली गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल भी हो सकता है काली भी हो सकता है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 5 अबट्टा में टोटल 8 होगा, 3 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 8, अबट्टा में 8 काट दीजिए 8 का नाट, इसका आंसर 1 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो आशा करते मेरे प्यार बच्चों अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही, यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।